वेलकम टू मोनिकाज किचन। आजकल आमों का सीजन है और छोटों और बड़ों सभी को मैंगो बहुत ही पसंद होते हैं और आम से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। आज मैं आपको घर पर ही मार्केट जैसी मैंगो फ्रूटी बनाकर दिखाऊंगी। इससे पहले कि मैं बनाना शुरू करूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस भी देख सकें। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं मैंगो फ्रूटी बनाना। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने दो पके हुए आम लिए हैं। इसे छील लेंगे और इसके पीसेस काट लेंगे। आम छील लिए हैं, अब हम इसके पीसेस काटेंगे। इस तरह से आम काट लेंगे। मिक्सी के जार में कटे हुए आम डाल लेंगे। दो टेबलस्पून चीनी के डाल लेंगे। दो मीडियम साइज के नींबू का रस निकाल लेंगे। ये मैंने दो नींबू का रस निकाल लिया है और वो भी साथ में डाल देंगे। एक कप पानी का डालेंगे। यहाँ हम ठंडा पानी यूज कर रहे हैं और मिक्सी चलाएंगे। आइस क्यूब्स डालेंगे और फिर से मिक्सी चलाएंगे। एक कप पानी का और डालेंगे क्योंकि ये काफी गाढ़ा है। अभी तक मैंने इसमें दो कप पानी के डाले हैं और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। आप चाहें तो इसको थोड़ा और पानी डालकर कर सकते हैं। अभी तक हमने कुल मिलाकर इसमें तीन कप पानी के डाले हैं। अब ये बिल्कुल बढ़िया बन चुकी है। इसे टेस्ट करके देखेंगे। इसमें खट्टा और मीठा बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल मैंगो फ्रूटी जैसा टेस्ट है। अब हम इसको किसी जग में निकाल लेंगे। और अपने सर्विंग ग्लास में थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे। और मैंगो फ्रूटी डालेंगे। इसका बहुत अच्छा कलर बना है और टेस्ट में भी बाजार की फ्रूटी जैसा टेस्ट है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई।